हम दिल्ली सरकार से गुजारिश करते हैं, हम सेंट्रल सरकार से गुजारिश करते हैं, साहब से अपील करते हैं, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी है मनोज सिन्हा से, ये इनोसेंट है, ये बेगुनाह है, ये बिल्कुल मजाक है, ये दिल्ली गया। शिनी मोहम्मद खान है, हम वीरू गंदीपुरा से आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा भाई दिल्ली सामान खरीदने के लिए गया था और इसके पास दो अदर जवान भी थे जो इनके दोस्त हैं, ये वहाँ इलेक्ट्रिक सामान खरीदने के लिए गए हैं, तो बराबर हमें उनसे राबता था। एक घंटे के बाद हम उससे फ़ोन कर रहे थे, भैया क्या हाल है, तू ठीक तो है, सब कुछ ठीक है, इन्होंने बराबर हमसे राबता किया है, बराबर हम ठीक है, लेकिन जब जिस टाइम एतवार के दिन हमने उनसे राबता किया है 8 बजे के बाद, फिर हमने 9:30 बजे फिर राबता, 9:30 बजे इनका स्विच ऑफ आ गया, बराबर 11 बजे तक, 11 बजे के बाद सोशल मीडिया पर वायरल खबर हुई, इनको दिल्ली के अंदर 3 टेररिज्म को पकड़ा गया है, इनका नाम है शबीर अहमद गोजरी, रियाज अहमद रेहतर और मोहम्मद उयू पठान, बराबर इनका तस्वीर भी सामने आ गया। ठीक है, अगर इनको पकड़ा गया है, नार्कोटिक टेररिज्म का नाम दिया गया है या मिलिटेंट का नाम दिया गया है, या इनका राबता सोशल, इनका राबता बब्बर खालिसा के साथ है, इनका राबता ISIS के साथ है, मैं समझता हूँ अगर ठीक है, अगर आपने इल्जाम लगाया है, चेहरा तो सामने आ गया, मीडिया के सामने आ गया, तो ये रिकवरी सामान कहाँ है मोदी जी, ये रिकवरी सामान कहाँ है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब, दिल्ली के सिक्योरिटी एजेंसियां, ये रिकवरी सामान कहाँ है? अब तुम कहोगे रिकवरी सामान आपके हमारे पास है, आप 10 दिन के बाद शो करोगे, झूठ की कहानी बता रहे हो, झूठ का इल्ज़ाम लगा रहे हो इनके ऊपर, ये बेगुनाह है तीनों, इनको रिहा किया जाए बिना किसी शर्त के, बिना किसी इल्ज़ाम के, अगर इनको 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनके केस की सुनवाई नहीं और इनको बाइज्जत हमारे हवाले नहीं किया गया है, तो हमें मजबूरन बराबर पार्लियामेंट के अंदर तक हम बराबर मार्च करते रहेंगे।